हेलो। हाँ बता, सब ठीक है ना तेरी तरफ? सब ठीक है, लेकिन ये जो खाला है ना, खाला मुझसे बहुत सवाल करने लगी। मुझे लगता है उनको मुझ पे शक हो गया, और अभी तो पास बैठ के उन्होंने पूरी तफ्तीश की है, जैसे मैं मुजरिम हूँ। क्या सवाल कर रही थी भाई? और वहाज उसने क्या कहा? फल्लामा, वहाज ने कुछ नहीं कहा। ये आपकी बहन है जिनको मसले हो रहे हैं मुझसे। सीधे मुंह बात तो करती नहीं है, बस सवाल पे सवाल करा लो। अच्छा अच्छा करेगी, क्यों नहीं करेगी? तू टेंशन ना ले मेरा बच्चा, अभी बैठी हूँ ना मैं तेरे सर पे, मैं करती हूँ उससे बात। हाँ प्लीज, आप ना खाला से बात कर लें कि इतना शक ना करें मुझ पर। मेरा क्या कसूर है अम्मा? मैंने तो इन्हीं के डर की वजह से कहा था ना कि मैं नौशी के साथ चली गई थी, कौन सा बड़ी बात है इसमें। अच्छा बस, मेरे साथ ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। कह रही हूँ ना, बात कर लेती हूँ, देख लूंगी, लेकिन तूने किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी। कसूर उसका नहीं है, तेरी खाला का कसूर ये नीचे वाली का है। उसने आग लगाई है अपनी जबान से। पर खैर, मैंने भी ऐसा करारा थप्पड़ दिया है ना, याद करेगी कभी सारी जिंदगी, मुझसे अब भाप नहीं निकालेगी। वाह, अपनी मम्मी को थप्पड़ मारा है? हाँ, तो जो जिस काबिल होता है उसके साथ वैसे ही सलूक करती है तेरी माँ। इधर मेरे जन्नत मकानी भाई ने अपनी आंखें मूंदी, उधर इस नागन की जबान लंबी हो गई। ये बता, किसके साथ देखा था उसने तुझे? और दुरैया, मुझे सच सच बताना, वरना तू जानती है ना मुझे। क्या हो गया आपको? नौशी की बहन के साथ गई थी मैं, वो तो बस उसका भाई वापसी पे छोड़ने आ गया था मुझे, तो क्या बताती मैं घर में? यकीन करते मेरे पे ये लोग? झूठ मत बोल दुरैया, मैंने तेरे बचपन से दांत गिने हुए बेगैरत। सच बता मुझे, सच बता, मैं संभाल लूंगी, मैं तुझे बोल रही हूँ ना। आप ना अपनी बहन को संभाल ले, खाला से बात कर ले, बाकी सब छोड़ दे, मैं कर लूंगी। अच्छा अच्छा, तू फोन तो रखना, मैं तेरी सास को फोन करूँ और फिर आ रही हूँ तेरी तरफ। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा ना बताइएगा कि मैंने आपको कुछ बताया है। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। तो मेरे पीछे ही पड़ जाती है, कब अकल आएगी इससे बेवकूफी पे बेवकूफी। लगता ही नहीं कि मेरी बेटी है।